रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिटी 41 की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ फातिमा नासिर और मैं हूँ शिराज भट्ट। और ऑफकोर्स आपको पता है कि आज तीसरा रोज़ा है और इस माह हमारी सबकी कोशिश यही है कि अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बन सके। हमारा स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन स्पॉन्सर किया गया है। ऑफकोर्स मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि हमारे स्पॉन्सर्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे पहले तो जी हमारे मेन स्पॉन्सर्स में सब रूसो शामिल है, द चिकन स्पेशलिस्ट, उसी के साथ साथ मुगल स्टील्स और रॉयल फैंस भी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। और इसके साथ साथ हमें तावन हासिल है गोल्डन घी और कुकिंग ऑयल का, कंट्री प्लस मसाला का, मिड सिटी हाउसिंग का और इसके साथ साथ मिल्क फील्ड का। और हमारे स्पॉन्सर्स के बगैर, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ये ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है, तो इसमें उनका तावन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे फातिमा ने बताया कि आज तीसरा रोज़ा है और पहला अशरा है और वक्त यूँ निकल रहा है अपने हाथ से, जितनी नेकियां कर सकते हैं। अल्लाह ताला का महीना है, अल्लाह ताला ने इस महीने को फातिमा अपना महीना करार दिया है और इसमें मिलने वाला अजर भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो मैं खुद देता हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक मुसलमान के लिए कि पूरे 11 महीने जो है वो अगर कोई गलतियां कोताहियां हुई, कुछ गुनाह सरजद हो गए, तो ये 12वां महीना है जिसमें इंसान अपने आप को एक दफा दोबारा से प्योरीफाई कर दे और दोबारा से उसी हालत में आ जाए। और वो उस हालत में आ जाता है जब गुनाहों से अल्लाह ताला जब गुनाह जो है वो माफ करता है, तो वो महज गुनाह माफ नहीं करता बल्कि वो गुनाहों को जो है वो नेकियों में तब्दील कर देता है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने सय्यिआत को अपनी हसनात में बदलने के लिए भरपूर इबादत कीजिए, कुरान को ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए। और शराज, इसी के साथ साथ आई थिंक इस माह में सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट तो जरूर करते हैं, लेकिन फजर की नमाज के बाद जिस तरह से आप कोशिश करें या मगरिब की नमाज के बाद कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें और रिफ्लेक्ट करें अपने दिन के ऊपर कि आज के दिन मैंने क्या अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं बेहतर तरह से करना चाहता हूँ और क्या मैं अपने अल्लाह ताला को खुश कर पाया आज के दिन में, और क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे अल्लाह को पसंद ना आई हों। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इस माह में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो चीज़ें हम इस माह में करते हैं वो हम आदत में डेवलप कर लेते हैं, जो कि ना सिर्फ इस माह में लेकिन आगे चलते हुए अपने साथ रखनी चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ साथ अपने पहला सेगमेंट अलिफ इस्लाम को शुरू करते हैं। हमारे साथ विराजमान है डॉक्टर पीरजा अहमद हाशमी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नहीं, प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी तारुफ आपको करवाता हूँ। महद अल्ताफ हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ साथ अरीहा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो, खैरियत हो? आज के टॉपिक का इंतखाब हमने पीर साहब किया है और वो टॉपिक है खालिक़े हकीकी। खालिक़े हकीकी के वजूद का क्या मकसद है और अल्लाह ताला ने ये कायनात क्यों बनाई है? बच्चों को इस बात का इल्म होना चाहिए, खासतौर पर इस एज में जो ग्रोइंग एज होती है, इसमें अल्लाह ताला के कुरान के हवाले से और अल्लाह ताला की इस कायनात को तख्लीक करने के हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात की जब हम बात करते हैं तो देखिए, बचपन से ही हम अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू करते हैं और हमारे यहाँ ये रीत रिवाज है कि हमारी माएँ बच्चों को सबसे पहला जो नाम लेना सिखाती हैं वो अल्लाह का नाम है। जब हम कायनात की तख्लीक का जिक्र करते हैं और अल्लाह ताला की सिफात में से आज एक ऐसी सिफत का जिक्र है जो तख्लीक यानी खालिक हकीकी, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने पूरी कायनात सब जहानों को तख्लीक फरमाया है, पैदा फरमाया है। और अल्लाह ताला की जो तख्लीक है इसमें उसकी खास खासियत और उसका कमाल ये है कि उसको कुरान पाक ने तशबीह दिया बदी उस समावाते वाला, कि वो बगैर मटेरियल के उसने हर चीज़ को तख्लीक किया है। अब उसकी तख्लीकात में इतनी सारी मखलूकात हैं कि अगर उनकी बात की जाए तो उसने इस इंसान के लिए चांद, सितारे, आसमान, ज़मीन, ज़मीन पर हर तरह की मखलूकात तख्लीक फरमा दी और फिर इंसान से मुखातब होकर ये कहा कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, के
तुम्हें मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चांद की बात की तो कहा कि ये इंसान के लिए उसको पैदा किया, सूरज को इंसान के लिए पैदा किया, सितारों को इंसान के लिए पैदा किया, और उसका सबब भी जिक्र कर दिया कि सितारों को देखो, तुम अपनी सिमत का तायुन करो, सफर करना चाहते हो तो सितारों को देख के जाओ। सूरज की तखलीक फरमाई तो फरमाया इससे तुम अपने शब रोज का तायुन करो, और अपने मामूलात कामकाज के लिए तुम्हें दिन दिया है और आराम के लिए रात दी है। जब चांद का जिक्र किया तो फरमाया कि इसको हमने तखलीक इसलिए फरमाया ताकि तुम अपने महीनों का तायुन करो, तारीखों का तायुन करो। यानी मैंने सिर्फ तीन ही मिसालें दी हैं अभी। अगर जमीन, चरिंद, परिंद, दरख्त, इन सारी चीज़ों को, खाने पीने वाली, उन सब का तस्करा करें तो हर एक के अंदर कोई ना कोई हिकमत है और वो इंसान ही की तरफ मुड़ती है। यानी उसको इंसान के लिए बनाया और इंसान की जब तखलीक फरमाई तो फरमाया मैं तुम्हारा खालिक हूँ और तुम्हें मैंने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। जहां पे फरमाया ना या युहन्नासो बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खालकाकुम, वहां पे इबादत के साथ जिस चीज को जिक्र किया वो ये है कि तुम्हें इबादत करो, क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। यानी ये जो तखलीक इंसानी है इसको फिर रब तआला ने इस तरह से भी इजहार फरमाया, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीन, के कैसी तुम्हें मैंने शक्ल व सूरत और ये अता फरमाया कि तुम सबसे ज्यादा हसीन तरीन हो, और तुम्हारे हुसन को के करिश्मों का जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी तखलीक में फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने हसीन बनाया है। अब इस सारी गुफ्तगू को अगर यूं करके हम समेटें और अपने बच्चों को बताएं तो ये है कि कुछ भी नहीं थे और अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना दिया, ये अल्लाह ताला के फजल और उसके करम के साथ ही मुमकिन है। हम में से कोई बंदा इख्तियार नहीं रखता, अगर रब चाहता तो हमें हशरात में से बना देता, अगर रब चाहता तो हमें जानवरों में से बना देता, कोई बेजान चीज बना देता, लेकिन उसने हमें इंसान बनाकर फिर इंसानों में से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर और फिर आपका कलमे पढ़ने वाला बनाकर हम पर ये एहसान फरमाया, तो हक ये बनता है कि उस खालिक की बारगाह में सजदा रेज हुआ जाए। और ये सजदा रेज होना इस बात का कहने के वो अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना खालिक हूं, ये उसका जवाबन बंदा सजदा रेज होता है कि या अल्लाह तूने एहसान किया, तेरा बंदा तेरे सामने झुक गया है। खालिक हकीकी अल्लाह ताला की जात बेशक। और हमारे साथ तो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं, हमारे साथ महद अल्ताफ हैं और साथ ही साथ अरीहा ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरीहा, आप कुछ पूछना चाहोगे पीर साहब से? जी हाँ, क्या पूछोगे आप? मैं पीर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि हमें किसने पैदा किया है। अच्छा, तो पीर साहब अरीहा का सवाल है आपसे, हमें किसने पैदा किया? जी, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। अल्लाह ताला की जात वो जात है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। हम जब ये कहते हैं ना कि हमारा खालिक अल्लाह है, तो फिर हमारे दिल के अंदर एक बात तो आती है आजजी इनकसारी की। यानी इंसान के दिल से ये लफ्ज बोल के तकब्बुर खत्म होता है। हाँ। कि पैदा किसने किया है? अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह ताला के सामने बड़ाई करने वाला वो इंसान, मैं कभी कभी शराज भाई ये गौर करता हूँ कि आप देखिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने तखलीक फरमाया, उसको सोच, फिक्र और बहुत सारे हुनर अता किए, वो अपनी अक्ल व दानिश खिरत के जरिए वो मालदार भी होता है, रिजक भी अता फरमाया, लेकिन उस जात ने इसकी आजजी के लिए एक बेहतरीन पॉइंट रखा हुआ है, वो ये कि तुम जब भी तुम्हें तकब्बुर या तुम्हारे जहन में बड़ाई आने लगे तो तुम उस प्रोसेस को देख लेना जिस प्रोसेस से अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे दरमियान से तकब्बुर खत्म हो जाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि तुम क्या हो। और फिर मिसाल दी अल्लाह ताला ने इंसान को कि तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे घास की मिसाल है, कोंपल निकलती है, वो मजबूत होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जर्द होने लगती है, फिर वो इतनी कमजोर हो जाती है कि वो हवा के झोंके से कभी उड़ के इधर जाती है, कभी उधर जाती है। तो इंसान को पैदा अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको तकब्बुर से रोका। जब हम कहते हैं कि हमारा खालिक अल्लाह है, तो ये उस कमाल आजजी का इजहार है कि या अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरी अता से। बिल्कुल, और क्या बात है। महद भी हमारे साथ मौजूद है। महद, आपने मुझे बताया था आप तिलावत सुनाओगे, कौन सी सूरत पढ़ोगे? फातिहा। चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله تو آپ بھی کچھ سنائیں گی تلاوت کیا آپ نعت سنائیں گی میں نعت سنائیں گی بسم اللہ سحر کا وقت تھا ماتم کلیاں اڑاتی تھی ہوائیں پیر مقدم کے ترانے دے گناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبد اللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ شریف پلے آیا مولایا کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی اریحا بہت بہت شکریہ اریحا آپ کا مہاد آپ کا بھی اور پیر صاحب آپ کا بھی ہمیں سیگمنٹ میں جوائن کرنے کے لیے یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان مہربان